खबर मध्य प्रदेश के विंध्य से है जो बेहद दुखी करने वाली है। काहे कि बिटिया के शादी वाले घर मां बारात आवे से पहले गोहू के डांट से जरिया गरीब पिता के घर, और अब बेबस पिता मारी रहा है गुहार खुद अपने घरे के जलत के, जो धू धू जल रहा हुआ घरे के बनाए के वीडियो सोशल मीडिया में डाली, और साथ मां अपना पंजीयन का बताया दी कल अक्षय तृतीया पर आबे वाली है बिटिया के बारात। तो विधि क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल माहम का निस्तिवारी अपना पंजीयन का सभी जन इनका प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी ये बेहद दुखद खबर के, जहां पर चेक बताया दी कि मध्य प्रदेश के विंध्य के सतना जिला मां शादी की खुशी का जो है बुरी नजर लग गए। बारात आबे से पहले शादी वाले घर मां गोहू के डांट के आगे से जल के राख हो गया। बिटिया के पिता कौन तरह शादी की तैयारी करे रहे, लेकिन आग के द्वारा घर में रखा शादी के सारा सामान जल के राख के ढेर में तब्दील हो गया। अपना चेक बताया दी सतना जिला के शादी के खुशी का लागत केहू के बुरी नजर लग गए। बारात आवे से पहले शादी के घर गोहू के डांट के आग में जल के राख हो गया। बिटिया के पिता कौन तरह शादी की तैयारी करे रहे, लेकिन आग के द्वारा घर में रखा शादी के सामान जल के खाक हो गया। मजबूर पिता अब मदद के आस लगाए बैठे, उनका बस अब एक चिंता सताए रही कि मंगलवार का अपने बिटिया के कौने तरह से विदा करी है। मामला सतना जिला के कोटर तहसील के करही गांव के मामला है, जहां पटवारी हल्का उदका के रमेश द्विवेदी के घर नरवई के आग के चपेट में जल के खाक हो गया। 3 मई का रमेश के बिटिया के सारिका के बारात आवेक है, शादी के दिन महज एक दिन बचा है, लिहाजा परिजनन के द्वारा सभी तैयारी कई लीन गई रही। घर में शादी के सामान कपड़ा गहना राशन रखा रहा, लेकिन आग की चपेट में आवे के बाद सिर्फ उहर राख बची है। दोनों पक्ष शादी के पूरी तैयारी कर चुके रहे, निमंत्रण पत्र बांटे जा चुके रहे, लिहाजा अब वर पक्ष के शादी का टाले का तैयार नहीं है। बिटिया के पिता अब यह चिंता सतावल लागी कि वह बारात के स्वागत सत्कार कैसा करी, काहे कि अब इतना रुपयों नहीं आए कि 5 बारातियों के स्वागत किए जा सके। रमेश द्विवेदी के पुत्र प्रसून के द्वारा बतावागा कि 1 मई का जब खेत में आग लगी तब उनका आशंका जतावत की लगभग 1 घंटा पहले पुलिस दमकल डायल 100 समेत सभी का सूचना दे के मदद से गुहार लगाई गई रही, लेकिन कोई नहीं आवा। आग मां सब कुछ बर्बाद हो गया, यह नहीं अबे को सर्वे करे तक नहीं आवा, ढाणस बताबे तक नहीं पहुंचा। परिवार संबल योजना की हितग्राही है, फिर को मदद नहीं मिली। चिंता की बात यह है कि बहनी की शादी कैसा हुई। अपना पक्ष बताया दी कलेक्टर के द्वारा पीड़ित परिवार का रेडक्रॉस से 25,000 की मदद के निर्देश जारी किए गए हैं। कांग्रेस नेता सन्नू अवस्थी के द्वारा 1100 रुपये की मदद की गई, कोलगवा स्टेशन के प्रभाकर सिंह के द्वारा 1100 की मदद की गई। राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल के द्वारा बतावागा कि रामपुर विधानसभा के ग्राम करही उदहा कला बिहार बिहरा निवासी प्रसून द्विवेदी के घर में गोहू के डांट के कारण आग लग गए, जिसके कारण उनके घर के समस्त सामग्री जल के खाक हो गए। कल 3 मई का उनके बहनी की शादी होने वाली है, जैसे उनका घटना की जानकारी मिली तत्काल स्थानीय कलेक्टर के निर्देश करीन जल्द से जल्द मौका मजाए कि भय नुकसान के मुआयना कई के शासन के तरफ से सहयोग राशि उपलब्ध करा में। रामखिलावन के द्वारा कहा गया कि वो प्रसून सोनी जी से फोन बात करी नहीं, यह दुख के क्षण में सांत्वना प्रदान करत की बहनी के शादी खातिर 31,000 रुपया के सहयोग राशि प्रदान करने लगे। तो निश्चित तौर पर यह वक्त ऐसा आए, कहा थे ना कि दुनिया के हर दुख जो है कटिया थे यदि लोग साथ में खड़े हो जाते। हालांकि आज यह व्यवस्था यह समाज एहन खीतिर होत है, सुख मत दुनिया मजा लूटे आ जाती, मगर दुख मत जे खड़े होते वही सच्चे कहा जाए समाज सेवी, वही सच्चे दोस्त, वही सच्चे लोग होते। काहे कि यह पूरा घर जो है पूरी तरह से टूट गया है, बिखर गया है। यह दौर में सबका साथ दे के आवश्यकता है और लोग साथ में आ रहे हैं। हालांकि जो सहायता राशि मिली है उसे बिटिया की विदाई संभव नहीं आए, किंतु बूंद बूंद से घड़ा भरत है। यदि अपनों पंचे हुआ गांव के करीब हुई ता आपन मदद जरूर हुआ गरीब परिवार तक पहुंचाई, और साथ में अपना पंचन का सुनाई थे हम रामखिलावन पटेल राज्य मंत्री के पूरा बयान। तो सुनी पूरा बयान आपन अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम। दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, मुझे अभी भी जानकारी मिली है, मैंने कलेक्टर साहब से बात की है, उनके तरफ से भी सहायता मिलेगी। हमारे माननीय रामपुर के विधायक मैहर के विधायक और बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया है, मैं भी अपनी ओर से 31,000 रुपए आपके बहन की शादी के लिए हम सहयोग के रूप में भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
हम मुआयना करेंगे भैया, ठीक है ना। चलिए ठीक है।